राधे राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, लेफ्ट क्लोजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का जो मैं अद्भुत प्रयोग लेकर के आया, उस प्रयोग से, नंबर से, न्यूमरोलॉजी नंबर से, न्यूमेरिकल नंबर से आपके जीवन में जो भी बीमारी होगी वो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत ही अद्भुत नंबर है। मैंने पहले बहुत से नंबर बताए हैं, जॉब के लिए, धन के लिए, सारी समस्याओं के लिए बहुत प्रकार के नंबर बताए हैं। आज का जो नंबर, अद्भुत नंबर लेके आया हूँ, इस नंबर से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कोई बीमारी हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, इसका आप इलाज करवा रहे हैं, इलाज करवाते रहिए। ये नहीं है कि आप इलाज करवाना छोड़ दें, ऐसा नहीं। इलाज जो करवा रहे हैं, इलाज प्रॉपर इलाज करवाइए, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए, सब कुछ करिए। उसके बाद भी आपको फायदा नहीं हो पा रहा, तो साथ में आप ये भी करिए, इस प्रयोग को भी करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलाज छोड़ दीजिए, डॉक्टर को दिखवाना छोड़ दीजिए और आप नंबर का प्रयोग करने लगे, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है और ऐसा आपको करना भी नहीं है। प्रॉपर डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो डॉक्टर का इलाज करिए, सब कुछ करिए, साथ में आप इस उपाय को भी करिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपकी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। और जीवन में बहुत सारे संघर्ष के समय आते हैं, जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। कभी कहते नहीं है, कभी बहुत अच्छा व्यक्ति ने समय देखा, बहुत अच्छा समय देखा, कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि उसे रुपए रुपए के लिए मोहताज हो जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कभी व्यक्ति बहुत स्वस्थ होता है, एकदम से बीमार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? कभी भाग्य इतना साथ देता है कि मिट्टी पे भी हाथ रखते तो सोना हो जाता है, कभी भाग्य ऐसा हो जाता है कि सोने को भी छू दे तो मिट्टी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों के कारण होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए, अवश्य दिखाइए। आप व्यापार करने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं नया व्यापार खोलूं, पर आपको पता नहीं मैं नया व्यापार कौन सा खोलूं। आप गलत व्यापार को चुन लेते हैं, लाखों करोड़ों उसमें लगा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कर्जा लेकर भी रुपया लगा देते हैं, लोन लेकर भी रुपया लगा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। सोचते हैं अब क्या किया जाए। कुंडली दिखवाइए सबसे पहले। कोई भी व्यापार चालू नया करने जा रहे हैं तो कुंडली सबसे पहले दिखवाइए कि पहले मुझे कुंडली दिखवा के पता कर लेना भैया व्यापार मुझे कुंडली में शूट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता चले मैं व्यापार चालू कर दूं शूट कर नहीं रहा है, इसलिए कुंडली दिखवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुंडली देखने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम आप मुझे व्हाट्सएप करिए। यदि आपका अपनी डिटेल नहीं है, अपने बच्चे की डिटेल मुझे व्हाट्सएप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा और आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए, आप क्यों बीमार पड़ गए, धन क्यों नहीं आ रहा है, भाग्य क्यों नहीं साथ दे रहा है, कौन से दोष बन रहे हैं, कौन से योग बन रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। ये कुंडली देखने से ही पता चलेगा, हवा में पता नहीं चलेगा। जब आपकी खून की जांच होती है तभी पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, क्या है, शुगर है, क्या हो गया आपको, खून की जांच से पता चलेगा। ऐसे तो पता नहीं चलता, ऐसे ही जब तक आप कुंडली नहीं दिखाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि दिक्कत कहां पर है। इसलिए अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो कैसे प्रयोग आपको करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, इलाज आप खूब करवा रहे हैं फिर भी फायदा नहीं हो पा रहा है, आप खूब परेशान हो गए, बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बिल्कुल चिंता मत करिए। नंबर आप सुन लीजिए ध्यान से, आप करना क्या है, इस नंबर को कैसे प्रयोग करना। आपको ब्लू कलर का पेन ले लीजिए, जो भी व्यक्ति बीमार है, जो जहां लेटता है पलंग पर, उस पलंग पर आप इस नंबर को सबसे पहले लिख दें। नंबर है 19751, ध्यान सुन लीजिए, नंबर है 19751। इस नंबर को वहां पर लिख दीजिए जहां पर वो लेटता है। दूसरी चीज, इस नंबर को आपको कहां लिख देना है, उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में आप इस नंबर को लिख सकते हैं ब्लू पेन से, 19751। क्या है नंबर? 19751। इसको आप लिख दीजिए 19751, 19751, 19751। इसको आपको लिख देना है और आप देखेंगे इस नंबर का इतना अद्भुत प्रयोग है। और लोग पूछते हैं महाराज जी नंबरों से होता क्या है, हर एक नंबर से एक शक्ति जुड़ी हुई है। जब इस नंबर को बोलते भी रहना, उस व्यक्ति को जब इस नंबर को बार बार बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो शक्ति कृपा करने लगती है आपके ऊपर। जब शक्ति कृपा करती है तो आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। नंबरों का अपना बहुत ज्यादा महत्व है, एक अलग ही शास्त्र है, इसके बारे में फिर आपको मैं विस्तृत रूप से बाद में बताऊंगा। और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए, बहुत ज्यादा आवश्यक है। शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।